नाम ताज है, मेरी बहन छोटी अस्मा, चौथी बहन है ये मेरी। मेरी बहन की शादी होकर 5-6 साल हुआ। 5-6 साल से मेरी बहन बहुत टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी। इस वजह से टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मेरी बहन सब्र करके ये रिश्ते को लेकर चलने की कोशिश में थी कि हमारे इस्लाम में तलाक नहीं देना, सब्र करना, सब्र का फल बहुत अच्छा मिलेगा बोल के। आज मेरी बहन को सब्र का फल मिल गया, उसके पेट में बच्ची है बोल के लगा मालूम करा लिए। उनके ख़ानदान में कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, उससे मालूम करा ले कि 1 हफ्ता पहले से मेरी बहन पर टॉर्चर देना शुरू कर दिए। जैसा मालूम हुआ कि पेट में बच्ची है, मेरी बहन खामोशी से सुन ली कहते, किचन में थी उन्हें पका रही थी, ये बात सुन ले के सीधा छत पे भागी कहते मेरी बहन रूम में भाग लेते गई तो उसका शौहर पीछे से आके उसको सीढ़ियों पे से जो मार लेते हुए लेके गया, पेट के ऊपर लाता मारते हुए मेरी बहन का चपड़ा तोड़ दिया। वॉशरूम में जाके मेरी बहन भागते उत्ते पे भी मेरी बहन भागते हुए जाके वॉशरूम में छुप गई, वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ के उसको लेके आके पेटों पे लाता मारा। यहाँ लेके आए हबीब नगर PS में लेके आए थे, सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल को भेजे। मेरी बहन के मुँह के अंदर टाके लगे, पूरे दांत टूट गया मेरी बहन का। फिर सीधा इसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट कन भेजे तो मेरी बहन को डिस्चार्ज शुरू हो गया था। आज उसकी बच्ची मर गई साहब, 5 महीने की बच्ची है, प्रेग्नेंट थी, 5 महीने प्रेग्नेंट थी। ये पहले उसके संगत रोज हो रहा था, 5-6 साल हुआ। नहीं हम लोग कंप्लेन इस वजह से नहीं करे, हमारी बहन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मेरी बहन कहीं को किस पे भी बोझ बनू, मेरी बेवा माँ है, बल्कि सबर करके मेरी बहन जी रही थी। मेरे भाइयों को ऑपरेट कर रहे थे, अब मेरे भाइयों की शादी भी होके 2-3 साल हो गया तो उन्हें अब कहीं कोई लोग की ज़िंदगी में डिस्टर्ब करूँ, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी बोल के मेरी बहन बोली। नहीं जितने बड़े चीज़ें होते थे कभी भी मारा खाना जुल्म सहना सबर कर लेना, लेकिन आज तो हाथ पार हो गई, उसकी बच्ची को इंसाफ दिला दो। उसकी 5 महीने की बच्ची मर गई थी, आप अपना घर PS में कंप्लेन करें। ये बच्चे वाले घटाला मस्जिद के सामने रहते हैं उन लोग, मल्लापल्ली जी हम लोग, मैं याकूतपुरे में रहती हूँ जी। पुलिस वाले एक्शन तो बोल इंसाफ दिलाएंगे बोल के बोल रही है, जाएंगे बोल के बोल रहे, लेकिन उसको एक भी उंगली नहीं लगा, एक भी मार नहीं मारे। आज उसको मारना बच्चे को जिसका हस्बैंड है, ये बच्ची की डेड बॉडी है, देखो आप लोग आंख खोल के भी देख सकते हैं। अब हम लोग तदफीन कराने के लिए जा रहे हैं, तदफीन करने के लिए जा रहे हैं, इंसाफ दिलाओ आप लोग, एक बच्ची को इंसाफ दिलाओ बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अस्मा और मैं यहाँ पर मैं मल्लापल्ली घटाला मस्जिद के पास रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है, उन्होंने 7 ईयर्स से मेरे को टॉर्चर कर रहे, मेरे सास और मेरे हस्बैंड और मेरे जो देवर जो बाहर रहते दुबई में और मेरी ननद जो रियाद में रहते, उन्होंने हमेशा जब आते मेरे को मारा खिलाते। किस वजह से मार रहे हैं आपको? जी मेरे को हर मतलब मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे भाइयाँ अच्छे नहीं है, ये हर वो चीज़ से वो लोग हमेशा मेरे को टॉर्चर भी करे और मेरे सास भी मेरे को मारे और मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी सास की बात सुन के मेरे को मारते हैं। कितने साल हुआ आपकी शादी के? 7 साल हुआ। आज किस वजह से आया? आज मैं इस वजह से आई क्योंकि हमेशा मैं बर्दाश्त करी कि क्योंकि ससुराल है, शादी में है, मतलब वो था लड़ाइयाँ झगड़े वो थे, मैं बर्दाश्त कर करी आज मेरा बर्दाश्त खत्म हो गया। हर वक्त ये बार बार आपको मारने की वजह, टॉर्चर करने की वजह क्योंकि उनको मेरे मैं उनको पसंद नहीं हूँ। उन्होंने बोलते कि उनकी सास की मजबूरी की वजह से उन्होंने मेरे से शादी करे, इस वजह से उन्होंने मेरे को हमेशा टॉर्चर करते, कंपेयर करते, दूसरों से कंपेयर करते, तेरे भाइया क्या है, तेरे भाइया ससुरालों का खाते, तेरे भौनैया ऐसे है वैसे है, हर चीज़ जान दो, शादी है ना, बचाना है, बच्चा है, बचाना है, बचाते बचाते आज उन्होंने मेरे को हद पार करके मेरे को इतना मारे मालूम है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं 3 महीने उनको आज ये भी चीज़ें उनको मालूम हुई बोल के उन्होंने मेरी सास जैसा मेरी सास को मालूम हुआ आज उन्होंने उनके बेटे को बोल के मेरे को मारा खिलाने लगा, उन्होंने जो मेरी जिंदगी खराब कर रहे थे। आप कंप्लेंट करें इसके ऊपर? मैं आज कंप्लेंट करी 7 ईयर्स के बाद, मैं आज कंप्लेंट इसलिए करी क्योंकि मेरा सफर खत्म हो गया। कहाँ पे करा कंप्लेंट? ये हबीब नगर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में। तो ये हर बार होता है आपसे लड़े झगड़े? जी हमेशा हर बार, किसी की भी बात रहें दो वो मेरे पे आती, चाहे वो मेरी जिठानी की बात रहें दो या मेरे देवरों की रहें दो, किसकी भी रहें दो, आज मैं उनके लिए इसीलिए ये मैं हर
तकलीफ को खत्म करके आज ये डिसीजन उठाई, क्योंकि अब मैं उनके साथ में रहना चाह रही हूँ और मेरे को इंसाफ होना, जितनी तकलीफ उन्होंने मेरे को दी है अब उनको उतनी तकलीफ नहीं। आज कहाँ पे मारे आपको थोड़ा बता सकते? नहीं मैं बता नहीं सकती, मेरे स्टमक पे मेरे को, मेरे फेस पे मारे, मेरे को 3 टाके लगे, आपके पास रिपोर्ट्स भी है आप देख सकते। मेरे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं 7 ईयर से मैं बहुत उनको बर्दाश्त करी, अब उनको हर वो चीज़ की सज़ा उनको मिलना, जितना मैं रोई अब उन्होंने रोना। आखिर पुलिस वालों से और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि आप सबसे सख्त उनके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो मैं वहाँ पर मैं जाऊँगी। वो क्या बोलूँ, ठीक है ना? ओके।